हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं राहुल गिल और आज हम मौजूद हैं ज़ेरे मार्केट में और यहाँ के जितने कॉमन लोग हैं उनका सेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि वो अपनी सेंस यूज करते भी हैं या नहीं करते, क्योंकि लोग सारे कॉमन होते हैं, सेंस किसी किसी में होता है। तो चलते लोगों के पास, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको फायदा होता है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अगर आपके साथ कोई नॉलेज शेयर करूँगा तो उससे आप जब भी उस नॉलेज को कभी यूज़ करेंगे तो मुझे हमेशा याद करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और रात भी हो चुकी है और लोगों के पास जाने का वक्त आ चुका है कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे ये सवाल करूं और उनका देखूं कि कॉमन सेंस कैसा चलता है। खैर, लोग तो मैं हमेशा की तरह यही कहता हूं कि सारे कॉमन हैं, एक जैसे हैं, लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। हर किसी के पास दिमाग है, हर किसी के पास कॉमन सेंस है, लेकिन देखना यह है कि यूज़ कौन करता है और सही टाइम पे करता है या नहीं करता और मेरे सवाल का जवाब देता है या नहीं देता। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरा सवाल गौर से सुनेंगे समझेंगे तो जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं सुनेंगे समझेंगे तो कोई भी हो वो जवाब नहीं दे सकता, चाहे उसने PhD की हो। खैर, PhD क्या मतलब, जो नहीं पढ़ा लिखा हो उसके पास भी कॉमन सेंस तो ज़रूरत सी बात है कि होगा ही। तो आप चलते हैं लोगों के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा आज का पहला सवाल बहुत ही मज़े का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। सवाल ये है कि 11,111 में कितने एक आते हैं, 11,111 में कितने एक आते हैं। मुझे तो पता है कितने एक आते हैं, आपको पता है तो आप मुझे ईमेल करें। जब तक मैं लोगों के पास जाता हूं और देखता हूं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और अपना कॉमन सेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। आ जाएं भैया, एक सवाल का जवाब देना है आपने, बताना है 11,111 कितने एक आते हैं। 11,111 नहीं भाई, मालूम नहीं कि 11,111 में कितने एक आते हैं। 11,111 कैसे, 11 में का 1,000 का एक आएगा, 11,000 का एक आएगा, 1,100 का एक आएगा, इसके बाद 11 के दो आएंगे। कैसे लिखा जाएगा, मतलब पांच डिजिट होते हैं, 5 11,111 बोल रहे हो, 11,111 रुपये कितने बने, कितने एक आएंगे? चार बनाएंगे, एक साथ आएंगे जी। 11,111 इन सबको प्लस करें, 11,000 में 1100 प्लस करें, फिर 11 प्लस करें तो कितने एक बनते हैं। आई थिंक बनते हैं 8-10 तो बन ही जाएंगे। 9 सर, एक सवाल पूछूं कॉमन सेंस का, पूछूं कह रहे हैं, सोचो तो सही यार, सोचते हुए टाइम लग जाएगा। कितना टाइम, जब परसों हो जाएगी। 7 11,111 तुम बता, तुम्हें ज़्यादा हिसाब किताब आते लगता है। रुकें तो सही सर, वेट तो करें सर, एक मिनट रुकें। 11,111 में कितने एक आते हैं। सर, एक ही एक आते हैं। 7 सात एक आएंगे, कैसे बताएं कैसे आएंगे। अब बताएं कैसे एक आएंगे, आप कोई अगर पेपर पहन दो तो फिर मैं आपको वेट बता दूँ। सर मुझे नहीं पता, ये मेरे भांजे इससे पूछ ले, मैं अनपढ़ तो बताएं, पहले मामू बताएंगे ना फिर भांजे बताएं। नहीं पता सर। सर सोचो तो सही, सोच, अरे पढ़े लिखने की बात नहीं, इसमें सोचने की बात। मामू बताओ ना आप यार, मुझे पता नहीं यार, सोचो तो सही, पूरा दिन कारोबार कर दो, ये नहीं पता, पता ही नहीं है ना। सोच लो, सोच लो। नहीं सोच सकता ना, इतनी अकल ही नहीं है ना। एक सवाल का जवाब दो, बताओ ये क्यों है। लोग देख देख के भाग जाते हैं, पता नहीं शायद कुछ बना हुआ है शक्ल पे। आ जाए भैया, एक सवाल का जवाब देना आपने, 11,111 में कितने एक आते हैं। भाई ये टायर भाई बताएंगे आप, हैं टायर भाई से पूछो। टायर भाई कौन, 11,111 एक या 1,111 1,111 में नहीं ज़्यादा आते हैं यार, नहीं 25 आते हैं। हाँ 25 आते होंगे, 5 आते होंगे यार, पता नहीं, सोचे तो सही थोड़ा, मतलब वैसे ही मालूम। हवा खाने आया अंदर से यार, कहाँ से सोचूंगा अभी। सोच लें, बिल्कुल एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे, बीच में कुछ नहीं आया, नहीं आया। सोच लो अब, 100% 9 जी। कैसे, तो एक ये मैंने गैस लगाया है, अरे परसों हो जाएगी, सोचते भाई किसी और की बात चलते हैं, जो जल्दी से एक मिनट में सोच ले। आ जाए एक ही एक बाकी, कहाँ गए, 11 में तो 2 एक, 11,111 11 में तो 2 एक आते हैं, बाकी 11,000 टोटल में कितने, 2 ही एक आएंगे, बाकी से 0 होंगे सर। यार देखो प्लीज बताए, मैं समझ जाऊँ, 1,100 एक, अच्छा 5 आएंगे।
यार हमें पता तो हम यहाँ पे होते इधर युगांडा में होते हाँ फिलहाल युगांडा में ही होते बताएं ना भाई पता होता तो कहाँ होते सॉरी सॉरी यार नहीं पता नहीं पता चलें जी इन्हें भी नहीं पता कोई ऐसा बंदा मिली आप बताएं सर ये मुझे बताएं कि 11,111 में कितने एक आएंगे पाँच इतनी नहीं नहीं इतनी थोड़ी थोड़ी सी है बिल्कुल चलें जी थोड़ी सी अकल है जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते संभाल के रखेंगे शोकेस में आने हवा खाते हैं दिमाग को हवा लगेगी तो चलेगा ना वो ना अभी तो चल ही नहीं रहा ना चलवा लेना हवा तो लग गई नहीं यार मालूम नहीं मालूम यार ये कैसे वहाँ में मतलब अभी इनको हाथ में पैसे दे दो तो पता चल जाएंगे कितने पैसे लेकिन ये नहीं पता एक कितने आएंगे आ जाएँ चलें जी कह रहे हैं 100% चार एक आएंगे और बीच में कुछ नहीं आएगा लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और आएगा आ जाएँ गैस लगा है वैसे सोचो ना कॉमन सेंस की बात है कॉमन सेंस अब तो उसमें टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा फाइव मिनट पाँच मिनट लेंगे इतना टाइम तो नहीं है पाँच मिनट तो किसी को नहीं दे सकता दस सेकंड है आप बताएं 11,111 इन तीनों को प्लस कर लिया जमा कर लिया 11,000 में 1100 जमा किए फिर 11 जमा किए तो कितने एक आएंगे तीन 11,100 कितना 11 हाँ तो इतना ही हुआ छः हुए सोच लो हाँ मतलब 11,000 में 1100 जमा किए फिर उसमें 11 जमा किए तो छः बनेंगे छः आएंगे सोच लो हाँ आप बताएं पाँच कैसे क्या आप काउंट कर लें 11,111 आपने जमा किए तो कितने आए पाँच कैसे 11,111 लिखो आप लिख के देख लें क्या है 11,000 हैं फिर उसमें 1100 जमा किए फिर उसमें 11 जमा किए कितने एक आएंगे तीन ये तो 111 होगा सीधे सीधे एक बोल लो ना एक का एक कितने होंगे एक वन कितने होंगे छः एक होंगे एक कह रहे हैं पाँच आएंगे एक कह रहे हैं छः आएंगे लेकिन मेरे हिसाब से ना पाँच आएंगे ना छः आएंगे तो देखते हैं कि कितने आएंगे और ऐसा कौन सा बंदा मुझे सही बताता है कि कितने एक आएंगे अरे पता है सोचे ना सर ये कभी देखें 11,111 सोच के बताओ ना यार सोचो कॉमन सेंस है आपने चलें जी ये कहने छः एक होंगे किसी और के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका कॉमन सेंस कैसा काम कर रहा है और वो कितने एक लेकर आते हैं अरे इतनी देर में तो लोग करोड़ों का हिसाब कर लेते हैं तीन ही आए मेरे ख्याल में तो तीन तो ये था हमारा आज का पहला सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और सवाल कुछ यूँ था कि 11,111 में कितने एक आते हैं तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी ना इसमें कुछ ये है कि आपने PhD की हो तो ही आप जवाब दे सकते हैं ये कोई नॉर्मल बंदा जिस जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी जवाब दे सकता है सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि 11,000 में 1100 जमा करें और फिर 11 जमा करें तो कितने एक आते हैं तो चार एक आते हैं क्योंकि 11,000 में जब 1100 जमा करेंगे तो 12,000 हो जाएंगे डिजिट चेंज हो जाएगा तो 1211 ये इसका फिगर बनेगा लेकिन लोग पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लड़ाते हैं कि 6 आएंगे 25 आएंगे 8 आएंगे 7 आएंगे और एक बंदे ने कहा था 9 आएंगे तो अब देख लें आप कितना कॉमन सेंस इनके पास है और किस तरह का कॉमन सेंस यूज़ करते हैं या यूज़ नहीं करते पाकिस्तानी हवा में कुछ भी कर सकती है कुछ भी बना सकती है खैर अब वक्त हुआ कि मैं ब्रेक पे चला जाऊं लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई भी कॉमन सेंस का सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने सारे क्वेश्चन मुझे भेज सकें और मैं अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकूं और प्रोग्राम को और अच्छा बना सकूं तो अब मैं जा रहा हूं ब्रेक पर वापस आऊंगा तो मैं पूछूंगा हमारा आज का दूसरा सवाल आ जाएं